हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैक ट्यूटोरियल हिंदी SC। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पुराने बचे हुए रजिस्टर के पेजों से एक नया रजिस्टर बनाना सिखाऊंगा, जो कि बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और बिल्कुल आपको फ्री के बराबर पड़ेगा। ये तरीका यूट्यूब पर बिल्कुल नया है। आप, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब पर इस तरह से कोई भी पुरानी कॉपियों से नया रजिस्टर बनाना आपको नहीं सिखाया गया होगा। और मैंने पहले भी एक पुरानी कॉपियों से नई कॉपी बनाने का एक वीडियो बना रखा है, जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या ऊपर आई बटन में जाके क्लिक करके देख सकते हैं। ये नया तरीका बिल्कुल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और आपकी बहुत ज़्यादा बचत करेगा, ये आप वीडियो देखकर समझ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, जितने भी रजिस्टर आपके पास ऐसे हैं जिनमें पेज बचे हुए हैं, आप उन्हें अलग कर लें। हो सकता है उनके साइज़ अलग अलग हों, तो उनको अलग अलग इकट्ठा कर लें। इनमें से अब खाली पेज हमें अलग करने हैं। जो सबसे पहले आपके पास डबल पेज वाले पेज हैं, आप उन्हें पहले अलग करेंगे। उसके बाद जो सिंगल पेज जो खाली बच गए, उन्हें हम बाद में अलग करेंगे। डबल पेजों को अलग करने के बाद सिंगल पेजों को अलग करने के लिए आप कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कटर को इस्तेमाल करते समय अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं या आप अच्छी तरह ध्यान से देखकर उसे काटें, नहीं तो इसे कटने का खतरा रहता है। स्टेप नंबर 2, अब इस तरह से आप पेजों को सीधा करके लगा लें और कैंची की सहायता से एक्स्ट्रा जो ये कटिंग है यहाँ से काट लें। जो अगर पेज बचे हुए हैं, उसको काटते समय आप ध्यान रखें कि आपके हाथ पे कैंची ना लग जाए। अब एक स्केल की मदद से आप इन पेजों को सीधा तरह काट दें। जो अंतर आपको किनारे से रखना है वो 2 mm से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, या आप पेजों के अनुसार देख लें कितना आपको काटना है। स्टेप नंबर 3, अब पेजों को सीधा करके आप उसके नीचे क्लिप लगा दें दोनों तरफ। अब आपको पेजों को ऊपर की तरफ से इस तरह मोड़ना है ताकि हल्के हल्के ये खुल जाएं, और इनको खुलने के बाद दोनों साइड पे आपको क्लिप लगा देनी है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब आपको फेविकोल लेकर इसको एक साइड से दूसरी साइड तक लगाना है। आपको आगे पीछे नहीं करना है, एक तरफ ही रखना है आपको, जैसे आपको वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह करते करते आपको पूरी तरह गम लगा देनी है, इसको क्लिप खोल देनी है। क्लिप खोलने के बाद सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद और इसको साइड में दोनों तरफ क्लिप लगा देने हैं और ऊपर हल्के हल्के हाथों से इस ग्लू को सीधा कर देना है, और बीच बीच में भी आपको यहाँ पर क्लिप लगाने हैं। अब इसे 4 से 5 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दें। चार से पाँच घंटे हो गए हैं, अब ये सूख कर तैयार हो गया है। अब देखते हैं, देखिए पेज में बीचों बीच बिल्कुल भी जगह नहीं है। देखिए पेज अच्छी तरह जुड़ गए हैं, खींचने से भी यहाँ पर इनको हम अलग नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस तरीके से आप बिल्कुल अच्छी तरह पेज को खोल पाएंगे और कॉपी को यूज़ कर पाएंगे। सूखने के बाद एक भारी कवर लें किसी पुराने रजिस्टर का और उसके बीच में ग्लू लगा दें, और ग्लू लगाने के बाद इसको उसके बीच में लगा के नीचे दबाकर इसको कुछ देर के लिए रख दें ताकि एक सूख जाए, और 1-2 घंटे में ये सूख जाएगा। और सूख जाने के बाद जब आप देखेंगे कि इसके साइड में हल्की हल्की जगह बची है, इसको काटने के लिए आप कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कटर से काटने के बाद आपका रजिस्टर बनकर तैयार है। और देखिए आपका रजिस्टर कितना सुंदर बन चुका है। गिफ्ट रैप करने के बाद देखिए कितना ये सुंदर लग रहा है। तो आप भी रजिस्टर के बचे हुए पुराने पेजों से एक नया रजिस्टर बना सकते हैं और अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।